इंदौर में हुई मूसलाधार बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। भारी बारिश से सोयाबीन की फसल बर्बाद होने के कगार पर है। धार रोड नारपर बंध में तेज बारिश के कारण सोयाबीन के खेतों में पानी भर गया है। इसी कारण सोयाबीन पानी से खराब होने लगी है। किसानों द्वारा तेज बारिश के कारण फसल खराब होने की जानकारी जब पटवारी और ग्राम सेवक को दी गई तो पटवारी और ग्राम सेवक सर्वे करने की बजाय अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आए। ज़्यादा पानी गिरने से मतलब फसल पूरी खराब हो चुकी है और फली तो आई है, फली में दाने नहीं भरना है। अच्छा, ये स्थिति है। और बीज की जो लागत है वो लागत निकल जाए वो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो इसमें कुछ आपने कुछ SDM या तहसीलदार को सूचना दी क्या इस विषय में? इस विषय में आप देंगे सूचना? अच्छा, तो मैंने ग्राम सेवक जी को फोन लगाया तो ग्राम सेवक जी बोल रहे हैं कि ये प्राकृतिक आपदा, हम कुछ नहीं कर सकते। तो पटवारी जी वो मंगलवार को पंचायत भवन में आने का रहता है, बाकी मैं दो मंगलवार से देख रहा हूँ वो यहाँ पे मिलते नहीं। मैंने फ़ोन भी लगाए तो बोले मैं आऊँगा और आपको फ़ोन लगाऊँगा, आज तक कोई फ़ोन नहीं लगाया। जो हमारी सोयाबीन है ये अभी 4 रोज पहले, जब तक ये पानी नहीं गिरा था, जब तक अच्छी फसल थी, फलियां पापड़े आ गए थे, मतलब दाने भराने लगे थे। और अब स्थिति ये हो गई, इसमें कोई ऐसा वायरस या वो पानी से ऐसी ख़राब हुई है कि बिल्कुल 10 पैसा दाना बचा है, वो ख़त्म हो गया, नष्ट हो गया, कुछ निकलना नहीं है। न तो इसके कटाई निकाल सकते हैं, न बीज निकाल सकते हैं। दबंग न्यूज़ के लिए जितेंद्र यादव की खास रिपोर्ट।